नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अपनी जो सीरीज चल रही है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित, फ्रेंड्स इसमें जितने भी आयोग और समितियां भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो गठित हुई हैं उनको हम क्रम वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी आयोग और समितियों में से सबसे इम्पोर्टेंट कमीशन है राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन कमीशन, जो कि 1948-49 में गठित किया गया था। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 1948 में इसको गठित किया गया था और आज़ादी के बाद ये पहला था। तो फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई मायनों में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन है। इसको सिर्फ 5-6 वन लाइनर्स क्वेश्चन में मैंने कवर किया है और फ्रेंड्स ये आपके DSSB और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स CTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे चैनल पर काफ़ी सारा मैटर है। प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं पहले काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। 5000 प्लस की एक सीरीज भी मैंने अलग शुरू की थी जिसमें डेली 10 क्वेश्चन मैं शेयर करता था, उनमें से 3-4 प्रीवियस एग्ज़ाम्स के होते थे और भी अलग से 5-10 वीडियो ओनली प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, उनको आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं राधाकृष्णन आयोग से संबंधित। यह राधाकृष्णन आयोग एक अन्य नाम क्या है? इसका आयोग का अन्य नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित ये फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है, साल तो ध्यान रखना ही पड़ेगा 1948-49 और आज़ादी के बाद इसको गठित किया गया था। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला था ये शिक्षा से संबंधित आयोग। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग की बात कर रहे हैं हम, इसी का दूसरा नाम है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और इनका शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा है। इनसे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इस पद पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह UGC के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? UGC के गठन की इसी आयोग की सिफारिश पर UGC का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि UGC का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो ये था राधाकृष्णन आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और UGC की फुल फॉर्म भी लिख रखी है ये, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस आयोग का संबंध प्रारंभिक शिक्षा से नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सिलेक्ट किया है कि और भी कई आयोग यदि ऑप्शन में दे दिए जाएं 3 आयोग तो चौथा जो राधाकृष्णन आयोग है इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से नहीं है, डायरेक्टली प्राथमिक शिक्षा से नहीं है, विश्वविद्यालय शिक्षा से ही इसका संबंध है। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है, जितने भी आयोग मैंने करवाए हैं और आगे करवाऊंगा उनमें। तो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय पूर्व खालिस्तान वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। अब भी हम 12 वर्ष के बाद ही ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हम एडमिशन लेते हैं, तो 12 वर्ष का अध्ययन जरूरी है विश्वविद्यालय में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये सिफारिश किसने दी थी? राधाकृष्णन आयोग ने दी थी, इसकी सिफारिश थी, मेन सिफारिशों में से एक है। और अगला क्वेश्चन, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा था? ये था राधाकृष्णन आयोग, जो कि 1948 में गठित होकर 1949 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। तो स्वतंत्रता के बाद ये पहला आयोग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राधाकृष्णन कमीशन ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी?
राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी? समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी राधा कृष्णन आयोग ने। तो फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है, वो इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने दी थी? राधा कृष्णन आयोग ने इसकी सिफारिश सबसे पहले दी गई थी। और इसी के बारे में अगले क्वेश्चन हैं कि इसको समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1976 में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि संविधान की तीन सूचियाँ हैं। एक केंद्र सूची है जिसको देख रेख का कार्यभार होता है केंद्र सरकार के अधीन, और एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का मतलब है राज्य और केंद्र का अलग अलग से, जैसे केंद्र सरकार के अलग से स्कूल हैं, KVS हो गए, NVS हो गए, और राज्य सरकारों के आपके राज्य में अलग 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 स्कूल्स हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्य सरकार का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्यों का बराबर बराबर हिस्सा इसमें 1976 में पहली बार शामिल किया गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन था 1976 में, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ था ये कार्य? 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, भारत में विश्वविद्यालयों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने एक वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो से मैंने आज का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपसे। आपको कमेंट्स में ये लिख के बताना है कि साल आपको लिख के बताना है। मैं विश्वविद्यालय बता देता हूँ, तीन विश्वविद्यालयों के भारत में सबसे पहले तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। एक है बम्बई, एक मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, और है कलकत्ता विश्वविद्यालय। इन तीन शहरों में सबसे पहले भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन में एक अलग शहर दिल्ली दे दे जैसे, तो इनमें से कौन से शहर में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई? तो आपका सही ऑप्शन दिल्ली होगा। और चार मेट्रो सिटी, मेन मेट्रो सिटी हैं, उनमें स्थापना कर दी गई थी। तो साल का नाम बताना है फ्रेंड्स, आपको साल लिख के बताना है कमेंट्स में किस साल इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। दिल्ली में तो 1922 में बहुत लेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत बाद में हुई थी। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे राधा कृष्णन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। इनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? टीचर्स डे होता है, शिक्षक दिवस। ये क्वेश्चन था आपसे। सबसे पहले कमेंट आया सोनम यादव का, तो सीटेट से रिलेटेड मैंने वीडियो के शुरू में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद हैं कवि लांबा, उसके बाद हैं प्रीति सैनी, फिर हैं मोनी तोमर, फिर हैं नेहा यादव, फिर हैं शांतनु दास, फिर हैं विक्रम सियोल, फिर हैं दिनेश उपाध्याय, फिर हैं अश्वनी यादव। और अश्वनी यादव के बाद देखते हैं ओंकार सिंह का मैसेज है, अश्वनी यादव, दिनेश उपाध्याय का मैसेज है, ओंकार सिंह, अरविंद कुमार का मैसेज है, विपिन मिश्रा का मैसेज, जितेंद्र कुमार का मैसेज है, और पुष्पा अद्रा का मैसेज है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।